प्रदेश सरकार द्वारा रूसा सिस्टम में सेमेस्टर सिस्टम खत्म करने की बात की जा रही है, जिस पर अब छात्रों की अलग अलग राय मिल रही है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने जहां रूसा सिस्टम को खत्म करने की मांग की है, वहीं कई छात्रों द्वारा सेमेस्टर सिस्टम को खत्म करने को सराहा जा रहा है। छात्र ने बताया कि रूसा सिस्टम को खत्म करने के बाद वार्षिक प्रणाली को बनाने की बात की जा रही है, लेकिन आए दिन शिक्षा मंत्री भी साफ बात नहीं कर रहे हैं, जिससे छात्र असमंजस में हैं। छात्रों का कहना है कि रूसा सिस्टम में रेगुलर कक्षाएं नहीं लग रही हैं क्योंकि प्राध्यापक ही नहीं है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी ने भी रूसा सिस्टम को लेकर आवाज उठाई है, लेकिन अब केवल सेमेस्टर सिस्टम खत्म करने के बाद रूसा को भी खत्म किया जाना चाहिए। छात्रों का कहना है कि बीजेपी सरकार में सत्ता में आने से पहले छात्रों से रूसा सिस्टम को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अब मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर रूसा प्रणाली को खत्म नहीं किया जाता है तो छात्र उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, जब वो सत्ता में आई थी तो उन्होंने एक वायदा किया था कि हम रूसा सिस्टम को जड़ से खत्म कर देंगे। पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, जब वो सत्ता में आए थे तो उसने एक रूसा सिस्टम लागू कर दिया था, उसके तहत उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम भी लागू कर दिया था। चलो हम तो हमीरपुर गए हैं, हम तो चलो एग्जाम दे देंगे, 6 महीने के बाद एग्जाम होते हैं इसमें। और इसमें ये बताया गया कि 40 बच्चों पे एक टीचर होगा, 40 बच्चों को एक टीचर पढ़ाएगा। और कॉलेज में ऐसा देखा जाता है कि 40 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है तो 200 बच्चों को भी एक टीचर पढ़ाता है, तो रेगुलर क्लासेस नहीं लगती हैं। चलो हम तो 6 महीने के बाद एग्जाम, इसमें ऐसा बोलेगा कि 6 महीने के बाद एग्जाम होंगे। बंद किया जाएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, अगर नहीं किया जाएगा तो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि जब भी इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी सरकार ने बोला था कि हम इसको खत्म कर देंगे, पर इसका उन्होंने पूरी तरह खत्म नहीं किया है, तो अभी देखते हैं। प्रदेश सरकार ने रूसा सिस्टम के लिए जो अपने उन्होंने एक उनका मैनिफेस्टो था जो विधानसभा के चुनावों से पहले उन्होंने पारित किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार जो विधानसभा के चुनाव में आती है, वो भाजपा की सरकार सत्ता में जब आती है तो वो अपने सबसे पहले जो है रूसा के सिस्टम को खत्म करती है, और उसमें जो च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है और जो सेमेस्टर प्रणाली है उसको वार्षिक प्रणाली में लागू किया जाएगा। लेकिन आए दिन आप देख रहे होंगे जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं और जो है वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उन्होंने रूसा प्रणाली के लिए एक पुनर्विचार के लिए कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी ने भी अपनी जो रिपोर्ट है वो 21 मई को शिक्षा मंत्री तक जी के द्वारा पहुंचा दी गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि अगर च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर प्रणाली को बंद कर दिया जाता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है इसका स्वागत करती है, और अगर हमारी इन मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, उसके खिलाफ जो है आंदोलन करेगी। यही मांग है कि जो रूसा प्रणाली है उसे खत्म किया जाए। जो वर्तमान सरकार है उन्होंने सत्ता से आने से पहले भी यह वादा किया था कि जो रूसा प्रणाली है उसे हम खत्म करेंगे, लेकिन अभी वह वादे से मुकर रहे हैं। और जो वर्तमान हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने भी वादा किया था कि वो हाँ वो रूसा प्रणाली को खत्म करेंगे, लेकिन वो अपने वादे से मुकर रहे हैं और छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं सरकार को कि अगर वो रूसा प्रणाली को खत्म नहीं करती है तो एबीवीपी उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी।